मुंबई के सभी लोगों ने आई एम श्योर कि ये माहौल ये वाइब बहुत ज़्यादा मिस किया है, हम सब ने बहुत मिस किया है। जब भी गणपति बापा घर आते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है। बापा दो सालों से घर तो आ रहे थे पर वो माहौल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, पर फाइनली वी आर बैक विद अ बैंग। पर फिर भी सेफ रहिएगा और गणपति बापा मोल। वो जब आप घर आएंगे तब बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट, मैं कभी रिवील नहीं करती कि मैंने क्या प्लान किया, बिकॉज हम बहुत प्लानिंग करते हैं गणपति बापा के आने की और हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कौन सा साल है हमारा? 25th। दिस इज माई 25th ईयर ऑफ गणपति। 25th और 24th। बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें मिलने आएंगे। हम उनको हर रोज कुछ नया नया बनाकर उनको चढ़ाते हैं, तो वो सब मम्मी करती है, तो कुछ नया नया खिलाएंगे हमेशा की तरह। इस साल का रूप जो है वो आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, बट बहुत ही क्यूट है इस बार के पापा, बहुत ही क्यूट है। 26 ईयर्स हो गए। जी हर्ष आया है मेरे साथ, मेरे मॉम डैड आए, मेरी पूरी फैमिली आई है और मेरे और भी जो दोस्त हैं वो सब आने वाले हैं। सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कि हम बहुत ही मेहनत से डेकोरेशन करते हैं, हर साल कुछ नया डेकोरेशन करने की कोशिश करते हैं। इस साल भी कुछ नया करने की कोशिश की है एंड होपफुली पापा लाइक्स इट। गणपति पापा मोरिया देवा तुझा दारी आलो गुणगान गाए। थैंक यू मंडल।
दी बापा, अरे मंगल मूर्ति, अरे बापा अरे बापा। बजाना है, बजाना है, बजाना।